जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर आपको फ्रैक्शन लिखना है एमएस वर्ड में, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देख सकते हो स्क्रीन में कैसे 1/5, 1/10, उसका डिफरेंट टेम्पलेट में हम लोग यूज करके कर रहे हैं, उसको देखते हैं। तो पहले उसके लिए आपको वर्ड में जाना पड़ेगा। तो पहले पहला मेथड वन के बारे में बातचीत कर देता हूँ। पहले तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कोई भी एक बॉक्स में जाके इंसर्ट करके, ठीक है। तो उसमें जाके इंसर्ट में जाके हम लोग इक्वेशन में जाएंगे, ठीक है। इक्वेशन इक्वेशन में जब जाएंगे, यहाँ पे देखो फ्रैक्शन का एक्स बाई वाई फ्रैक्शन लिखा हुआ है। अगर एक्स बाई वाई को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट दिया है, उस टेम्पलेट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वन और नीचे को सिलेक्ट करूंगा, उसको मैं थ्री लिख दूंगा, तो वही आ गया 1/3, ठीक है। यहाँ पे और एक फॉर्मेट में देखेंगे, डिफरेंट टेम्पलेट में देखेंगे, जहां पे हम लोग फ्रैक्शन इंक्लूड करेंगे। तो इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे और x by y फ्रैक्शन का ये वाला टेम्पलेट को यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4/9। तो देख सकते हो डिफरेंट टेम्पलेट में किस तरह का आ रहा है। अगर और भी एक टू डिफरेंट टेम्पलेट में जाना चाहते हो इक्वेशन को लिखने के लिए, फ्रैक्शन को लिखने के लिए, तो वहां पे आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा, इक्वेशन में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे ये वाला हम लोग सिलेक्ट कर सकते हो 1/3। तो इसको हम लोग फिर से चेंज कर सकते, जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मेट को चूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1/2, इस तरह का लिखेंगे, और फाइनली डिवाइड करेंगे बाई 7। तो इस तरह का फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हो कि आपका फ्रैक्शन को लिख सकते हो। सिंपल जाना है क्या, इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे इक्वेशन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सिलेक्ट करोगे तभी जाके ये आएगा 1/3, और यहाँ पे इक्वेशन को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे x by y फ्रैक्शन का टेम्पलेट आ जाएगा। तो इस तरह का आप जाके आपका जो फ्रैक्शन है आप लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और जय जगन्नाथ। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।